तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, इंग्लैंड की टीम की एंट्री हो रही है, मतलब होने वाली है थोड़ी देर बाद, बट अभी अभी पता चला है कि शुभमन गिल भी जो है वो यहाँ पर होंगे। सिक्योरिटी आप देख ही सकते हो, इंग्लैंड की टीम के लिए भी ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है, बट कल की अगर पाकिस्तान की टीम से इसकी तुलना की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है। बट जैसा मैं कह रहा हूँ कि वेट कर रहे थे यहाँ पर इंग्लैंड की टीम का, लेकिन ऐसा पता चला है कि शुभमन यहाँ पर आने वाले, शायद जो दिन में स्क्वाड आया था, पता नहीं या तो हमसे मिस हो गया कि भाई शुभमन कहाँ है, शुभमन कहाँ है, लेकिन आई थिंक ये चीज़ सामने निकल कर आई थी कि वो शाम को जो है वो यहाँ पर गुवाहाटी में पहुँचेंगे। सो यस, ऑब्वियसली सारा क्राउड इंडिया का है, तो एवरीवन वाज, कुछ लोग जो अभी अभी इस फ्लाइट से आए हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी देर बाद एक फ़्लाइट और लैंड करने वाली है जो डिलेड हो चुकी है, जिसे 12:15 बजे IST यानी 12:15 पर लैंड करना था, लेकिन वो 1:20 के लिए डिलेड हो चुकी है। सामने वो जो बोर्ड दिख रहा है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऑलरेडी जो है वो डिलेड वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इंग्लैंड की टीम को आना था और 1:20 पर इंग्लैंड की टीम भी आएगी, एंड बाहर आते आते ऑब्वियसली 1:45 के करीब हो जाएगा। बट शुभमन गिल अब किसी भी वक्त, आपको ये जो सामने A1 का एग्ज़िट दिख रहा है, यहाँ से आते हुए किसी भी वक्त आपको नज़र आ सकते हैं, एंड everyone is waiting for him। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दे ऑल हैव देयर टैक्सीज, लेकिन वो जैसे जिसको भी जहाँ से पता चल रहा है, दे जस्ट वॉन्ट कि भाई ग्लिम्स मिल जाए या सेल्फी मिल जाए या वीडियो मिल जाए। सो everyone wanted a piece of him, जिसे जैसे कहते हैं, मतलब थोड़ी सी जेनजी वाली भाषा में। तो यहाँ पर ठीक है भाई, हम भी इंतज़ार कर ही रहे हैं, तो लेट्स सी कि कब यहाँ पर आपको कितनी जल्दी शुभमन गिल। BCCI की तरफ से जो है कुछ लोग मौजूद थे यहाँ पर, तो हमें भी लगा भाई कि BCCI यहाँ पर इस वक्त पर, BCCI की तरफ से अगर कोई भी आया है तो यहाँ पर इस वक्त पर क्यों, तो फिर वही जो चीज़ें थी वो समझ में आने लगी, एंड बहुत जल्दी आपको किसी भी वक्त, जैसा मैं बता रहा हूँ, कि आपको जो है वो शुभमन गिल यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। सो नज़रें बनाए रखिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी एरिया है उसे पूरी तरीके से क्लियर कराया जा रहा है, बट यस द मेन थिंग इज़ कि कब वो आते हैं। चीज़ों को जो है आगे से क्लियर कराया जा रहा है। अब से करीबन 15 से 20 मिनट पहले जो है वो यहाँ पर फ़्लाइट लैंड हुई है, और ये फ़्लाइट बैंगलोर से लैंड हुई है। बैगेज अब से थोड़ी देर पहले बेल्ट की जानकारी आ रही थी, अब जो है बैगेज डिलीवर्ड की जानकारी आ रही है वहाँ पर, कि बेल्ट ओपन हो चुकी है वहाँ पर, जहाँ से आपको अपना सूटकेस वगैरह भारी भरकम सामान लेना पड़ता है। तो यस, नाउ एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर हिम, लेट्स सी कि कब आते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर हिम ओनली। सिक्योरिटी काफ़ी, मतलब ठीक ठाक है यहाँ पर इस समय पर भी, जबकि रात के 1:15 हो चुके हैं। एक फ़्लाइट लैंड हुई है इसलिए आपको इतनी भीड़ दिख रही है, वरना मैं यहाँ पर पिछले 3 घंटे से हूँ, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो डिलेड हुई है, और अब तो देखिए जो एयर हॉस्टेस हैं वो भी आ गई हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में ही आती हैं। बट स्टिल जो हम कह रहे हैं वो अभी तक हमें शुभमन नहीं नज़र आए, वो चीज़ है। तो हर कोई जानना चाह रहा है भाई कौन है, कौन है, कौन सी टीम है, क्या है। सो गोइंग टू बी अ गुड वेलकम फॉर द टीम। और अचानक से देखिए आप, अभी तक यहाँ पर सच्ची बता रहा हूँ कोई नहीं था, मतलब अचानक से हम यहाँ पर जो है वो भीड़ देख रहे हैं। सो इस तरफ आपको पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी है वो दिखेगी, एंड द अदर एंड जैसा हम कह रहे हैं, वहाँ पर आपको जो है वो शुभमन भी बहुत जल्दी आते हुए देखेंगे। लेट्स सी, ऑल ऑफ अस आर वेटिंग फॉर हिम, और फिर ऑब्वियसली इंग्लैंड की टीम भी, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट जो डिलेड टाइम है वो भी हो चुका है। डिलेड है 1:20, पहले जो टाइम था वो था 12:15 का,
एंड देन ऑलमोस्ट 1 घंटा 5 मिनट लेट हो गई फ्लाइट। देखो धीरे धीरे करके मतलब ऑलमोस्ट सबको सभी आ चुके हैं और अब दूसरे फ्लाइट की भी लैंडिंग का टाइम हो चुका है। जैसे ही वहाँ पे स्टेटस लैंडेड आएगा हम ऑब्वियसली आपको बताएंगे, बट आप भी देख ही रहे हो यार, वो सामने जो इस तरफ आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है वो आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड इसमें अगर आप अभी भी देखोगे तो डिलेड ही लिखा रहा है स्टेटस। द वेट इज़ ऑन, इंतज़ार जो है तब तक आप यहाँ पर पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी है उसे आप यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हो। ये बस है जहाँ पर आपको इंग्लिन की टीम जो है वो इसी बस में जाएगी एंड इसकी कवरेज तो आपको अलग से मिलेगी। तो भाई फाइनली जो है भीड़ आप देख सकते हो यहाँ पे शुभमन गिल इज़ हियर, बोला था यार भाई लोग मान ही नहीं रहते, शुभमन गिल आ गए, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो, सॉरी सॉरी सॉरी। ऑल द बेस्ट भाई। तो शुभमन गिल को भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैंगलोर से वो आ रहे थे। तो भाई फाइनली जो है भीड़ आप देख सकते हो यहाँ पे शुभमन गिल इज़ हियर, बोला था यार भाई लोग मान ही नहीं रहते, शुभमन गिल आ गए, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो, सॉरी सॉरी सॉरी। ऑल द बेस्ट भाई। तो शुभमन गिल को भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैंगलोर से वो आ रहे थे।